हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12th चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, कंसेप्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कंसर्न द टोटल मैनर इन विच अ मैनेजर इन्फ्लुएंसेस द सबऑर्डिनेट्स। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, वो पूरा मेथड जिस के अकॉर्डिंग एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने कलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करता है टू डू मोर, टू बी द बेस्ट आउट ऑफ देम। टू बी स्पेसिफिक, फंक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एलिमेंट। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है, डायरेक्शन फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको मैनेजर ध्यान में रखता है टू इन्फ्लुएंस और टू मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स। फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकेंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज कम्युनिकेशन, फोर्थ इज लीडरशिप। दीज फोर आर द एलिमेंट्स दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग। फ्रॉम विच सुपरविजन हमें नहीं करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। बचे मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, हम इनको इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है सुपरविजन, हमें नहीं करना, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू मी आपको मतलब पता होना चाहिए कि सुपरविजन का मीन्स क्या होता है। इट इम्प्लाइज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय देयर सुपीरियर। इट इज द एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग वर्क एंड वर्कर्स। सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन का मतलब होता है ओवरसी करना। ओवरसी मतलब देखना, नजर रखना अपने सबऑर्डिनेट्स पे कि उनको जो काम दिया गया है वो काम उस तरीके से हो रहा है या नहीं, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन ऐसा ना हो कि हमारी प्रोडक्शन ही कंप्लीट नहीं हुई है जबकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी डिमांड है। तो दैट इज सुपरविजन। जब एक मैनेजर ओवरसी करता है, आई रखता है अपने सबऑर्डिनेट्स पे उनके दिए गए काम पे, उसको क्या कहते हैं, सुपरविजन। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, मींस मोटिवेशन मींस इंस्पायरिंग, स्टिम्युलेटिंग एंड एनकरेजिंग द सबऑर्डिनेट विद जील टू वर्क। पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मे बी यूज फॉर दिस पर्पस। नेक्स्ट जो स्टेप आता है, नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या करता है, मैनेजर इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को काम के प्रति कि आप काम कीजिए, आपको आपकी सैलरी इंक्रीमेंट अच्छा होगा, आपको प्रमोशन अच्छा मिलेगा, आपको नॉन मॉनेटरी पैसों से रिलेटेड बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, बिना पैसों से रिलेटेड बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड भी दिया जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक भी दिया जाएगा। अगर कोई सबऑर्डिनेट अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उनको नेगेटिव फीडबैक भी दिया जाता है। तो वो सब किसके अंडर आता है, मोटिवेशन के अंडर आता है। जब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है एक काम को करने के लिए। थर्ड एलिमेंट इज लीडरशिप। मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर गाइड्स एंड इन्फ्लुएंसेस द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डिजायर्ड डायरेक्शन। लीडरशिप का मतलब होता है लीड द वे। जब मैनेजर रास्ता दिखाता है अपने एम्प्लॉयज को, उनको गाइड करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है कि वह अपना कार्य जो उनको दिया है वो अच्छे तरीके से करें ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलिमेंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन तीनों एलिमेंट्स को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में। और कम्युनिकेशन ही, बातचीत ही एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम एक बंदे को या दो बंदे आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में कौन हेल्प करता है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है। अब अगर ए और बी पर्सन में कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो वो अपने ओपिनियंस भी शेयर नहीं कर पाएंगे, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं कर पाएंगे, इवन वो बोल भी नहीं, बात ही नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन उन तक किसी और मोड में पहुंचेगी। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायरेक्टिंग के एलिमेंट में या डायरेक्टिंग मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन में। तो ये चार लीड एलिमेंट्स होते हैं जिसपे डायरेक्टिंग बेस होता है। आई होप आपको एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनकरेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू ड्राइव वर्क फ्रॉम देम। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर एम्प्लॉयज को क्या करता है, मोटिवेट करता है और उनसे काम निकलवाता है। इट मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ फोर्सेस इंस्पायरिंग अ पर्सन टू इंटेंसिफाई हिज विलिंग
नेक्स्ट टू वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि जो मोटिवेशन होता है ये एक ग्रुप होता है ऐसी एक्टिविटीज का जो एक पर्सन को क्या करती है, एक पर्सन को इंस्पायर करती है वो अपना अपना बेस्ट दे एक काम को करने के लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हो सके, अचीव हो सके. इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू बूस्ट देयर विलिंगनेस टू वर्क. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंस्पायर करता है पीपल को, जो एनकरेज करता है पीपल को, ताकि वो अपने काम को करने की क्षमता और काम में अच्छे से मन लगा के काम करें. इट इज थ्रू मोटिवेशन द मैनेजर अटेम्प्ट टू इंस्पायर द एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सिर्फ मोटिवेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर अपने एम्प्लॉय से काम करवा सकता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. नेक्स्ट आता है हमारा द टर्म मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड मोटिव. मोटिवेशन जो है वो किससे ड्राइव हुआ है, मोटिव से ड्राइव हुआ है. डेफिनेशन क्या है हमारे मोटिवेशन की, अकॉर्डिंग टू वीजी स्कॉट, मोटिवेशन मींस द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्पलिश डिजायर्ड गोल. वीजी स्कॉट के अकॉर्डिंग मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पीपल को इंस्पायर इन्फ्लुएंस करते हैं वो एक्शन लेने के लिए, ताकि जो उनके डिजायर्ड गोल हैं वो अचीव हो सके. उनको क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है. द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द बिलो ब्रीफली. मोटिवेशन के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला मोटिव, दूसरा मोटिवेशन एंड तीसरा मोटिवेटर. मोटिव क्या होता है, ये एक ऐसी इनर स्टेट कि आपकी क्या क्या मोटिव है आपका, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट यू डिजायर, क्या एम है आपका, तो वो होना एक बहुत जरूरी है. एक इंडिविजुअल के पास मोटिव होना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास कोई मोटिव ही नहीं है, आप क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आपको अच्छी जॉब मिले, आप अपने सारे विशेष को फुलफिल कर सकें, तो वो आपका मोटिव है कि आपको पढ़ना है क्योंकि आपको आपकी विशेष फुलफिल करनी है, तो दैट इज योर मोटिव. मोटिवेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्पलिश डिजायर्ड. मोटिवेशन के एक ऐसा प्रोसेस है जो एनकरेज करता है पीपल को, ताकि जो उन्होंने सोच रखा है, जो उनका मोटिव है, जो उनका एम है, उसको अचीव कर सके. नेक्स्ट आता है मोटिवेटर. मोटिवेटर क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो पीपल या ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की, जैसे उनकी इंक्रीमेंट कर देना, उनको बोनस दे देना, उनको प्रमोशन दे देना, उनको रिकॉग्निशन दे देना, अवार्ड्स देना या प्रेस कर देना. तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मोटिवेशन के, एक मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर. आई होप आपको मोटिवेशन का मीनिंग एज वेल एज डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन का प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहला फेल्ट नीड, क्या जरूरत है. दूसरा टेंशन, कि कैसे मोटिवेट किया जाए अपने एम्प्लॉयज को. तीसरा ड्राइव, मेथड को निकालना कि किस तरीके से कौन सा एम्प्लॉय मोटिवेट होता है. रिसर्च ऑफ बिहेवियर, एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड करना कि वो अगर हम उसको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे, ए तरीके से मोटिवेट करेंगे या बी तरीके से. कुछ एम्प्लॉयज मॉनेटरी टर्म में मोटिवेट होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज नॉन मॉनेटरी टर्म में भी मोटिवेट हो जाते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन दी एम्प्लॉयज बिहेवियर. नेक्स्ट आता है स्टेप जो कि सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, कि जो मोटिव था उनका, जो चाह थी एक एम्प्लॉय की, वो सेटिस्फाई हुई भी है या नहीं हुई है. नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ टेंशन, जब एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाएगा तो मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉय की टेंशन भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. और उसके बाद जब वो एक मोटिवेशन कंप्लीट हो जाती है, एक इच्छा पूरी हो जाती है, तो दूसरी इच्छा अपने आप ही आ जाती है. तो उसके बाद एक फ्रेश नीड होगी, उसके बाद अगेन मैनेजर को टेंशन होगी कि कैसे अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए. तो पहला था फेल्ट नीड, ये मोटिवेशन प्रोसेस बिगिन विद एन इंडिविजुअल अनसेटिस्फाइड नीड. वो ये उस इच्छा से उत्पन्न होता है जो कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की सेटिस्फाई नहीं होती और वो चाहता है कि वो फुलफिल हो जाए. टेंशन, क्योंकि एक डिजायर्ड गोज अनसेटिस्फाइड होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन एक एम्प्लॉय के माइंड में बिल्डअप हो जाती है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग पेड. और मैनेजर के में भी टेंशन हो जाती है कि किस तरीके से हम इन. थर्ड आता है मोटिव, मोटिव या ड्राइव्स. फ्रस्ट्रेशन मोटिवेट्स द इंडिविजुअल टू सीक आउट अल्टरनेटिव्स टू मीट हिज नीड्स. जब एक एम्प्लॉय की नीड्स को फुलफिल नहीं किया जाता, तो वो दूसरा तरीका निकालता है जो कि एक इलीगल भी हो सकता है. तो इसीलिए मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज की मोटिवेशन का, सेटिस्फेक्शन का, नीड्स का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए. सर्च बिहेवियर, ही सिलेक्ट्स वन ऑफ हिज सेवरल ऑप्शंस एंड बिगिंस एक्टिंग इन अकॉर्डेंस टू विद. वो क्या करते हैं, मैनेजर्स क्या करते हैं या एम्प्लॉयज क्या करते हैं, उनको जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें से कुछ एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है जो उनके अकॉर्डिंग बेनिफिटेड होता है.
सेटिस्फाइड नहीं, जब वो बेनिफिटेड वाला सिलेक्ट कर लिया जाता है ऑप्शन, तो वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है किन की नीड्स को, एम्प्लॉय की नीड्स को एज वेल एज मैनेजर की नीड को, और एम्प्लॉय देखता है कि क्या जो उसने नीड थी, उसकी जो इच्छा थी, वो पूरी हुई भी है या नहीं हुई है। रिड्यूस टेंशन, जब एक एम्प्लॉय की इच्छा पूरी हो जाती है, तो ऑब्वियसली कि वो इंडिविजुअल एज वेल एज मैनेजर की टेंशन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा मोटिवेशन का प्रोसेस भी क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। क्या फीचर है? सबसे पहला साइकोलॉजिकल फेनोमेना। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑफ थ्रू एम्प्लॉयज। मोटिवेशन क्या है, इच्छा क्या है, या किसी को मोटिवेट करना एक ऐसी चीज होती है जो कि इंटरनल अंदर से आती है फीलिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको चार बातें बोली, आप मोटिवेट हो गए, वो मोटिवेशन विल नॉट लास्ट सो लॉन्गर, इट विल बी एंडेड बाय द एंड ऑफ द डे, और इट विल लास्ट अप टू 2 और 3 डेज। लेकिन 5, 2 या 3 दिन के बाद आप लोग फिर ए पॉइंट पे आ जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। तो जब तक आपके अंदर खुद वो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, खुद आप मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर पाता। सेकेंड आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एक एम्प्लॉय को इस मैनर में रिएक्ट करना चाहिए कि उनके गोल्स एज वेल एज उनका जो सेटिस्फेक्शन या जो नीड्स है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अ मोटिवेटेड पर्सन वर्क्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। और एक एम्प्लॉय जो जिसकी नीड्स फुलफिल्ड है, जो फुल्ली सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड है, वो हमेशा एक डिजायर्ड गोल के को की तरफ ही जाएगा। थर्ड आता है मोटिवेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे होता है कि अगर एक एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो आप उसकी इंक्रीज कर दीजिए, पे प्रमोशन दे दीजिए, रिकॉग्निशन दे दीजिए। लेकिन वहीं अगर एक एम्प्लॉय को आपको फोर्स करना है, तो आप उसको ब्लैकमेल करोगे या थ्रेटन करोगे विद दी प्रोसीजर कि हम आपको, अगर आप ऐसे अच्छे से काम नहीं करोगे तो हम आपको पनिशमेंट देंगे, आपके आपके नेम पर मेमो इशू कर दिया जाएगा या आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। तो मोटिवेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल की नीड्स डिफरेंट होती है, हर एम्प्लॉय की नीड्स डिफरेंट होती है। कुछ मॉनेटरी टर्म में मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी टर्म में मोटिवेट होते हैं, कुछ को जस्ट आप अप्रेस कर दीजिए वो तभी मोटिवेट हो जाते हैं। तो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की जब स्टडी की बात की जाती है, तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और मोटिवेट करने के लिए एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर ऑफ मोटिवेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। और एक मोटिवेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि कि एम्प्लॉयज की नीड्स क्या होती हैं, हमेशा चेंज होती रहती हैं। और एम्प्लॉयज की क्या, हर ह्यूमन की नीड्स अनलिमिटेड होती हैं। हमारी एक नीड सेटिस्फाइड होती है तो दूसरी नीड अपने आप ही आ जाती है। तो इसीलिए एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहना इज द कंटिन्यूअस प्रोसीजर ऑफ द मैनेजमेंट, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आई होप आपको फीचर्स ऑफ मोटिवेशन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की क्यों क्यों जरूरत है, क्यों हमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए। तो पहला है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर एक एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, उसकी नीड सेटिस्फाइड होंगी, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ईजिली अचीव किया जा पाएगा। डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मोटिवेशन की टेक्निक्स क्या होती हैं, वो नेगेटिविटी को रिमूव करती हैं और एक पॉजिटिव आउटपुट देती हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड देती हैं, जिससे एक एम्प्लॉय अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को मेट कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकते हैं। रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय प्रेफर टू रिमेन लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग टू अ लेसर नंबर ऑफ पीपल क्विटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई ही होगा, तो वो क्या करेगा, अपनी जॉब को क्विट नहीं करेगा, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करने का सोचेगा ही नहीं। उसको लगेगा कि यार ये मेरा इंक्रीमेंट भी टाइम पे कर रहे हैं, मुझे अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं, मेरे नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी टर्म्स का भी ध्यान रखते हैं, मुझे प्रेज भी करते हैं, मुझे रिकॉग्निशन भी मिलती है। तो कोई भी एम्प्लॉय क्विट नहीं करना चाहेगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट रिड्यूस एब्सेंटिज्म। अगर एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो, और सारे एम्प्लॉयज, अगर आप सारे एम्प्लॉयज का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप सब एम्प्लॉयज की नीड्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हो, तो आपके वर्क प्लेस पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक हैप्पी सिचुएशन बनती है, और जिसकी वजह से लोग या एम्प्लॉयज खुश होंगे कि आज ऑफिस जाएंगे तो मैं अच्छा काम करूंगा, मुझे आज भी रिकॉग्निशन मिलेगी। तो एब्सेंटिज्म के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं।
ब्रिंग चेंज स्मूथली। एक मोटिवेटेड स्टाफ जो आता है होता है ना, वो इजीली कोई भी चेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उसको ये लगता है कि अच्छा ये चेंज आ रहा है, इसमें मैं कुछ नया सीखूंगा तो मुझे फिर से रिकॉग्निशन मिलेगी, ठीक है आने दो। तो इसीलिए वो लेस रेजिस्टेंस होते हैं, वो कम इनकार करते हैं किसी भी चीज को लेने से। नेक्स्ट हमारा जो आता है, आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। ये एक अब्राहम मास्लोस थे जिन्होंने 1943 में एक हायरार्की दी थी जो कि ह्यूमन नीड्स को डिफाइन करती है। कि पहली जो ह्यूमन की नीड होती है वो साइकोलॉजिकल नीड होती है, फिर सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड आ जाती है, फिर एफिलिएशन या सोशल नीड आ जाती है, फिर एस्टीम नीड्स आती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती है। ये पांच नीड्स होती हैं जो एक ह्यूमन के नेचर को डिस्क्राइब करती हैं। अकॉर्डिंग टू मास्लो, नीड हायरार्की थ्योरी एम्प्लॉयज नीड्स एंड वांट्स टू बी कैटेगराइज्ड एज अ हायरार्की ऑफ फाइव नीड्स। अकॉर्डिंग टू मास्लो, अब्राहम मास्लो, ये पांच कैटेगरी हैं जिसमें आप एक एम्प्लॉय की नीड्स को कैटेगराइज कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी है चलिए पढ़ते हैं। पहली बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स की, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है। उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स में बेसिक नीड्स होती हैं भूख, प्यास, रहने की जगह, सोने की जगह, ये सब क्या होती हैं, एक बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोवाइड करे। नेक्स्ट जो आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हर एम्प्लॉय चाहेगा कि उसको जॉब सिक्योरिटी मिले। अगर वो काम कर रहा है, बेस्ट दे रहा है अपना, तो हर एम्प्लॉय चाहेगा कि उसकी जॉब सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहे। ऐसा ना हो कि कुछ एरर हो जाए या कुछ इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनको जॉब से निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसी रिक्वायरमेंट जो जॉब सिक्योरिटी मांगती है वो किसके अंदर आती है, सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड के अंदर आती है। नेक्स्ट है एफिलिएशन सोशल बिलोंगिंग नीड्स। ये क्या होती है, जो एम्प्लॉय, ये ऐसी नीड्स होती हैं जो अफेक्शन, आपसी व्यवहार से, आपसी कम्युनिकेशन से, आपसी रिलेशन से क्या होती है, इंक्रीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स। नेक्स्ट आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स की सेल्फ रिस्पेक्ट भी एम्प्लॉय की कुछ होती है। ऐसा नहीं है कि आप उनको रिकॉग्निशन तो दे रहे हो बट उनकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते, तो दैट डजंट मैटर्स। आप अगर एक एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो दैट डजंट मीन कि यू हैव टू डिसरिस्पेक्ट हिम, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। और एक एम्प्लॉय जब चाहता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा मिले तो उससे उसका मतलब होता है कि उसके स्टेटस को इंक्रीज किया जाए, उसको रिकॉग्नाइजेशन दी जाए अमंग दी टीम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है, वो नीड्स जो एक एम्प्लॉय को सपना देखने में मदद करती है कि अच्छा मैं अगर ऐसे अच्छा काम करूंगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे और अच्छे से नौकरी देगी या और अच्छा काम देगी और अच्छा बेनिफिट देगी और अच्छा प्रमोशन देगी। तो ये पांच हायरार्की होती हैं, किसकी, हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि मैस्लो ने दी थी, जो एक ह्यूमन को, नॉट ओनली द एम्प्लॉयज बट एक ह्यूमन के साइकोलॉजिकल, सिक्योरिटी, एफिलिएशन, एस्टीम्ड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को डिस्क्राइब करती है। अब क्या अजम्पशन थी इस हायरार्की की, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स इन्फ्लुएंसेस पीपल बिहेवियर। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अज्यूम कर लिया कि अगर हम एक एम्प्लॉय की नीड्स को सेटिस्फाई कर देंगे तो उनका बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। ऐसा भी नहीं है कि जो हायरार्की उन्होंने डिस्क्राइब किया उसी हायरार्की में हर बंदे की नीड्स होंगी। इट मे बी डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वंस नीड इज सेटिस्फाइड ओनली द नेक्स्ट हायर नीड कैन मोटिवेट इंडिविजुअल। एक नीड के सेटिस्फाई होने से क्या आपको लगता है कि एक एम्प्लॉय की दूसरी नीड भी सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ लोअर लेवल नीड्स मोटिवेट्स टू पीपल टू मूव ऑन द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड। अगर एक नीड की आप फुलफिलमेंट करते हो, अगर वन नीड की, साइकोलॉजिकल नीड की फुलफिल करते हो, तो ऑब्वियसली एक एम्प्लॉय सेकेंड नीड पे जाएगा, दैट इज सेफ्टी नीड। तो हर नीड को फुलफिल करना इज डिफिकल्ट फॉर द मैनेजर्स एज वेल, लेकिन ये इस हायरार्की में मान लिया गया है कि अगर आप लोअर नीड को फुलफिल कर दोगे तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड में जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आई होप आपको हायरार्की ऑफ नीड्स भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स करेंगे। ये मोटिवेशनल टेक्निक्स होते हैं कि कैसे कोई एम्प्लॉय फाइनेंशियली मोटिवेट होता है और कैसे कोई एम्प्लॉय को नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड
Share our channel for more videos.